अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें और हमारे लिए भी दुआ करें। और सुबह का नाश्ता तैयार है, और आपको बताया था ना कि भाई की आंख देख लें, आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, कसम से दर्द है बहुत सारी, रात नींद नहीं आई। तो सुबह भी उठा हूँ, नमाज पढ़ के सो गया हूँ, थोड़ी देर के लिए सोया हूँ, फिर लाइट चली गई, अभी वही नींद ही आई जा रही है। तो आपको नाश्ता दिखाता हूँ, नाश्ते में क्या है। तो मेरे मैडम नाश्ते में क्या है आज? सिंपल सा नाश्ता। नहीं मेरे 10 पराठे, एक जग लस्सी और 4-5 प्याले चाय, सर तैयार है? चाय नहीं बनाई आज। लस्सी बनाई। क्यों? मुझसे कुछ नहीं पूछा, अपना जो दिल किया बनाया। भाई नवाब है ना, घर में राज चलता है इनका। भाई तो आपको दिखाता हूँ नाश्ता क्या बनाया और नाश्ता क्या कर रहे हैं। नाश्ता जी दिखाओ, जी नाश्ता दिखाओ। और जी नाश्ते में ये रात का बचा हुआ सालन है, जो रात को बनाया था आंटी के साथ। ये पराठे है, दाल चावल है, अच्छा ये लस्सी है और पानी है। चाय आज मैंने खुद नहीं बनाई, मैदा खराब हो गया। मैदा खराब है, सही है, अच्छी बात है कि चाय नहीं बनाई। तो कितने पराठे हैं? 4। 3 मेरे अलहदा कर दो, ये अपना एक अलहदा कर लो। हाँ, मैंने अबे नहीं मजाक कर रहा हूँ, तो सीरियस होगी। वैसे मैं एक ही खाती हूँ। हाँ जी, मैं ही रोटी खाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये बनाया था मटन और दाल चावल और लस्सी। लस्सी मैं आपको दिखा दूँ, बहुत अच्छी लस्सी। लस्सी नाश्ता करना बहुत पसंद है मुझे। लस्सी हो, देसी घी हो, या मक्खन हो, शक्कर के साथ बहुत मज़ा आता है। शक्कर तो है यहाँ पे, देसी घी नहीं है। देसी घी नहीं है, शक्कर तो पड़ी है अभी, लेकिन देसी घी के लिए मज़ा नहीं करती। मक्खन हो या देसी घी हो ना, पर ये भी मज़ा कर जाती है, खाने का मज़ा ही और है। कैसी बनी है लस्सी? अच्छी बनी है। अच्छा, तो मैं भी नाश्ता कर लूँ, तो आपसे बात करते हैं इंशाल्लाह। वरना तमीना सारा खा जाएगी ना। हाँ, वरना तमीना सारा खा जाएगी जी। नासिर इसको नाश्ता स्टार्ट कर रहे हो? जिसको नाश्ता करना मुझसे पूछे तूने करना है? नहीं, मैंने देखना है। मेरी लस्सी नहीं पीना, मेरी नमकीन है, आपकी मीठी है। क्यों? मैं मीठी नहीं पीती। आप पी के बताएं कैसी बनी। सही है, मजे वाली बनी। सालन? सालन भी अच्छा है। दाल चावल? दाल चावल रात को तो खाए थे, अच्छे बने। सही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें, और ऐसे ही हम सपोर्ट करते रहें और लाइक कमेंट करते रहें। जी सुबह का नाश्ता आपने देखा, जो नाश्ता कर रहे थे अभी, जो होगी वो शाम हो गई है, और कबूतरों की आवाज़ आपको आ रही होगी। हमारे पड़ोसी कबूतर उड़ा रहे हैं, और हमें व्लॉग बनाने में बहुत मसला होता है। इनकी सीटियाँ नहीं बंद होती और पत्थर नहीं बंद होते, कभी सर में आग लगते हैं, कभी सब्जी बना रहे हैं तो उसमें आके गिर जाते हैं, क्या करें। पर हमारा शहर नहीं ना इधर, हम इनको कुछ बोल नहीं सकते, इनका राज चलता है यहाँ। लाइट कब आएगी? लाइट तो अभी 8:30 बजे आएगी। बहुत गर्मी लगी, पसीना। 8:30 बजे लाइट आएगी। और गाइस, आज नासिर का ने नाश्ता तो करा था, जब उस वक्त आपने देखा इसकी तबीयत सही थी, उसके बाद जो इसकी तबीयत खराब हुई है, इसकी जो हालत खराब हुई है, आप सोच ही नहीं सकते। इतनी तबीयत खराब हुई ना सिर्फ की बोल दिया था इसको ना, वो मैं बोल रहा था मुझे लस्सी बना के दो, मैंने सालन के साथ ना मीठी लस्सी ले है। तो वैसे तो ये पपीता रहता है, ऐसी बात नहीं कि पहले होती है, आपको पता है पहले भी लोग में देख चुके हैं पपीता। तो आज पता नहीं क्या था, दूध में कुछ था या कुछ ऐसे, इसके दिल में इतना दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, चल भी नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी ना, जैसे बहुत ज़्यादा इसको अपने ऐसे इधर उधर से जोर जोर से ना थप्पड़े लगा रहा था, और मैंने इसको फिर इसे कंधा दबाया, बाजू दबाया, हाथ दबाया, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी।
तो नीचे मेडिकल स्टोर बंद होते हैं, वो शाम को खुलते हैं, तो वहाँ से कुछ ले भी नहीं सकते थे, जो इसको मैं कोई गोली वगैरह या कुछ भी लेके खिलाऊँ, सब स्टोर बंद थे। फिर मैंने इसको 7 अप लेके वो पिलाई थोड़ी सी, उससे कुछ तबीयत बेहतर हुई थोड़ी सी, वो भी अभी भी अभी सब्जी लेने में भी इतनी मुश्किल से गया ना, बहुत ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता ना। अच्छा, क्या बना रही हो ये? मैं आलू मटर बना रही हूँ। अच्छा, आलू मटर। आलू मटर, आप सुनाए आपकी तबीयत कैसी है? तो अंडे कहाँ हैं? अंडे बॉईल के लिए छोड़ दिए। आलू मटर में अंडे भी? हाँ। क्या नाम होगा उसके? ये आलू मटर और अंडे। आलू मटर और अंडे। समझ नहीं आ रही क्या क्या बनाती है, नाम ही नहीं आता हमें। हमारे पड़ोसी जो है ना लड़कियां हमें ब्लॉग बना देती हैं, ना लड़के हमें ब्लॉग, बच्चे जो शरारती हैं। नहीं नहीं, बस बात सुनो, बस ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे ही नहीं देखते साथ में पड़ोसी, कितने तंग होंगे। अच्छा, मटर का रेट बताओ, मटर का रेट क्या है यहाँ पे? कितने के देते? 140 रुपये पाओ। 140 रुपये पाओ? जी हाँ। आलू 150 रुपये में कराची। गाइस देखिए ना, अगर हम आलू ये सब ये सब्जी आई महंगी आ रहे हैं यार, क्या करें हम। ये सब्जी अंडे ला के सब्जी 300 में मिली है, अंडे और सब्जी 300 की है। अल्लाह, नहीं लाते यार, इससे ज्यादा कुछ भी ना लाते, कैसे इतनी महंगाई में कैसे गुजारा करें गाइस। यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, दुआ करें जल्दी से जल्दी हम ठीक हो जाए, अपने घर चले जाए। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल। कल मेरी तबीयत खराब थी, ना सिर की तबीयत खराब है मेरी, सुबह टैबलेट्स लेने के बाद कुछ बेहतर है। टैबलेट्स भी इतनी महंगी है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा महंगी है टैबलेट्स। कल मैंने एक एक टैबलेट्स लिए है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से, वो भी जो भी बचे थे पैसे डायलिसिस पे जाते हैं, वो रेंट जो किराया लगता है, उसके बाद जो बचते हैं उसमें खाना भी खाना है और उसमें से दवाइयाँ भी लेनी होती है हमें। तो कल मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दो दो टैबलेट्स, एक एक ही ली जो बस मैंने आज खा लिया, अभी जो है रात के टैबलेट्स नहीं है। यहाँ पर भी किसी को अगर हेल्प का बोलें या वहाँ पर भी बोलें तो वो पता नहीं क्या ऐसे करते हैं कि पता नहीं, कोई हमारी हेल्प नहीं करता, बोलते हैं कभी देर को आना, कभी पहले आना, कभी ऐसे। बहुत किसी ने भी ऐसी हेल्प नहीं की सिवाय भाई अहमद वालों ने, जो हमारी की थी उसके ऊपर हमारा भी लोग भी है, बस उन्होंने की थी और किसी ने भी ऐसे नहीं की। तो यहाँ पर भी किसी को बोलते हैं अगर कोई रिश्तेदार हैं उनको जानने वाले हैं तो कोई, वो भी नहीं हेल्प करते, बस जो घर वाले भेज रहे हैं उसमें गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है। बस दुआ करें कि हम यहाँ से बस चले जाएं, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, पर मजबूरी है, वक्त हर किसी पे आ जाता है, तो अगर कोई हमारी हेल्प करे तो उसको भी ये देख लेना चाहिए कि हाँ उनको ज़रूरत है, हमने कोई बेवजह नहीं मांग रहे या बेवजह ही कुछ ऐसे नहीं कर रहे, हमारी भी एक वजह है, हम बहुत मजबूर हैं, ऐसे नहीं किसी से ऐसे बोलते, बहुत मुश्किल है तो ऐसे बोलते, लेकिन लोग समझते हैं शायद ये ऐसे ही, ये चले छोड़ें जो भी है जैसा भी है, अल्लाह ताला देख रहा है सब कुछ और वहीं सब कुछ जानने वाला है और वहीं सबको देने वाला है। अल्लाह का शुक्र है कि वो हमें भूखा नहीं सुलाता, जितना भी है जो भी है हम खा के सोते हैं, अल्लाह का शुक्र जितना अदा करें उतना कम है। और जी अभी मैं ये सब्जी बना लूँ और फिर आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे, अगर आपको पसंद आए तो बताना हमें कमेंट में कि आपको पसंद आई, आपको भी आती होगी, ये नहीं कि आपने ऐसे घर में नहीं बनाए होंगे, बनाई होगी, शायद मेरी थोड़ी सी चेंज हो या मेरी आपको पसंद ना आए या शायद पसंद आ जाए, तो बताइएगा ज़रूर, आपसे बाद में बात करेंगे। सब कुछ तैयार हो गया मसाला? हाँ, बस स्टार्ट किया अभी। प्याज गैस कम है? हाँ, गैस बहुत कम आ रही है ना, इसलिए तुम्हारे आने से पहले मैंने प्याज ऊपर रख दिया। अच्छा, मसाला क्या है? मटर, आलू, मिर्च। मटर डाल दिए तो ये नमक और ये इसमें बोल नहीं रही, नमक मिर्च नहीं अभी नहीं। आलू मिर्च वगैरह नहीं डाल रहे कुछ भी? खबर है, अंधेरा बहुत है। चूल्हा हमारा पुराना है तो थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा चूल्हे पे लेके। अब सारी जिंदगी कराची थोड़ी रहना है, अल्लाह रहम करेगा जल्दी चले जाएंगे।
तो लकड़ियों पे जो सालन बनता है वो फिर आपको दिखाएंगे कैसा बनता है। अब ये पकेंगे पहले, इसको थोड़ी देर के ढक देंगे। अच्छा, कितनी देर? थोड़ी देर के लिए, जब तक हम इसका पानी और ये टमाटर इकट्ठे डालेंगे। ये इसमें क्यों डाल दिए? अदरक और लहसुन के साथ जाएंगे टमाटर। ये कौन सी रेसिपी है यार? पता नहीं क्या बना दे रहे थे, समझ नहीं आता मुझे। तो तुम्हें सीधे तरीके से सिखाया ना, तुम वही बनाया करो बस यार। आगे में हर दिल में दर्द हो रहा है, तो ऐसी अटाऊ अपड़ों चीज़ें बनाएगी यार, इसलिए तो मैं कह रही हूँ तुम्हारा दिल कहीं और लगेगा तो मैं तुम्हारे दिल का दर्द ठीक हो जाए शायद। तो मैं हंसाने की कोशिश कर रही हूँ आप तो खाना भी है ना, सिर्फ हंसाना नहीं है। तो मैं आपको खिलाऊंगी भी सही ना, इसमें कौन सी बात है कि मैं आपको। इतना टमाटर क्यों डाल रही हो? तीसरा टमाटर छोटे छोटे से तो है यार, एक डाल देती है, कल डाल दी, एक परसों डाल दी, गरीब आदमी गुजर रहा है। मर्द का बस चले ना, तुम कुछ डालो ही नहीं और ऐसे ही खाना बना दो। खाना है सूखी रोटी भी खा लो पानी के साथ। दिखाएं जी, ये कहीं मैंने ढक के रखा था इसे। अच्छा, मिनट के लिए अभी देखो, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अभी मैं नमक मिर्च भी डाल देना। हां तुम्हें देखो ना, बता रेसिपी बता रही है, तुम्हें तो बताना है। ये देखिए मटर जो है वो आधे गल चुके हैं और आलू भी, इससे सालन जल्दी बनता है और अदरक सारी इसमें पड़ी हुई है। डाल दो, इनो लेके आओ, इनो पीना है। जाओ पी लो, तो इनो पी लो जाओ। अभी इसको ढकेंगे थोड़ा। पानी कौन भर के देगा? मैं भर के दूंगी। मैं ठीक है, भर लो। ये क्या हो रहा है? चम्मच को प्याज लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, मैंने कहा ये भी कोई रेसिपी है। नहीं, अब क्या डाल रही हूँ? मिर्च भूल गई थी। नहीं, थोड़ी डालो ना, ये अच्छी लगी इसमें। यार मेरा मुंह पका हुआ है सारा। चलो अभी पानी भर के लाओ मेरे लिए, मैंने इन्हों पीना। ठीक है, मैं अभी तैयार हो गए हमारे आलू मटर। अभी 15 मिनट में मैंने सारा तैयार किया। जब आप प्याज ब्राउन हो रहे हैं, मटर और आलू डालेंगे ना, उसमें पानी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं, जैसे पानी थोड़ा सा डाल के आलू गल गए हैं सही तरह। हाँ ये देख सकते हैं, बिल्कुल जब आप घी में आलू और मटर डाल देंगे वो बिल्कुल जल्दी से गल जाते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ। कि भाई हमको तो पानी नहीं लगाना पड़ता। देखिए टमाटरों के पानी में गल के बिल्कुल मसाला मिक्स हो गया अच्छे से, ये देखिए इसमें कोई मैंने पानी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। अब अंडे कब डालने? आप बता देना, छोरे वाला खाना है तो कि थोड़े से छोरे बना लेते हैं, हम नहीं बनाते। नहीं नहीं, बस ठीक है, वैसे ठीक है। हाँ ग्रेवी वाला सही तो बन गया। हाँ ये बन गया बस, अंडे छीलने वाला काम। अंडे छीलने इधर दिखाओ, मैं रेसिपी बताता हूँ। वो वाली टिकटॉक वाली की रुक 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 वो एक पड़ा, उसके बाद तुम टिकटॉक पर ट्रायल कर लेना अपना। अच्छा तुम ये कितनी देर में करती हो? शर्त लगाते जब मेरी बारी सही है जी, स्टार्ट हो गया। अच्छा और फिर क्या करना है? ये क्या कर रहे हैं अंडा भाई? हाय अल्लाह नजरी, क्या क्या किया आपने? कसम से यार, 5 सेकंड लगे तुम्हारे तो भाव। ये तो नया तरीका, तेरे मुंह वाला तरीका। इतना बारीक बारीक अंडा? आप 2 मिनट सबर करेंगे यार। अच्छा अच्छा जी, अंडा है। हाँ ये उठा ले, आप ये उठा ले, सच में ये उठा ले, झूठ नहीं बोल रहा, उठा ले, दूसरी भी उठा ले। हाँ ये उठा ले।
अब ये ना हम इसमें डाल देंगे, दो आधे डाल दिए, दो ऐसे डाल दिए जी, हम है तो दो ही बंदे। नहीं, एक अंडा काट के डाला है, कैसे? एक ऐसे डाला। अब इसका नाम क्या हो गया? आलू गुर्दा। हाँ, आलू गुर्दा। और अब इसका धनिया। धनिया नहीं, धन क्या तुम बता, धनिया से कौन सी एलर्जी हो रही है तुम्हें? चम्मच ऐड पे करो, एक मिनट। ठीक है, जब उतारो ढक्कन देके उतारो। सारे अंडे मेरे ही से हैं क्या? हाँ, तो खा के टेस्ट बताऊँ आपको। रोटी दो, रोटी अभी ले गया हूँ होटल से। अच्छी रोटी देता हूँ ना, टेस्ट करके बता नहीं सिर्फ। लाइट भी नहीं है यार, क्या करें यार। मोबाइल भी चार्ज नहीं है, बैटरी भी डाउन है इसकी। शक्ल तो बहुत अच्छी है। आप भी खा रही हैं? वाकई बहुत अच्छी बनी है यार, वैसे पहली बार खाई है मैंने। आलू अंडे खाए हैं, मटर आलू खाए हैं, आलू अंडे मटर पहली बार खाए हैं, बहुत अच्छी लाजवाब बनी है। कभी आप भी ट्राई करें और कैसी बनी है बताएं हमें। बहुत अच्छी बनी है गाइस, मेरे मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। खाना खा के आपसे बात करते हैं, अभी खाना खा लो, बहुत भूख लगी है यार, बस कुछ नहीं खाया। वेलकम बैक माई व्लॉग, और हमने खाना खा लिया है, खाना आपके साथ शेयर भी किया था। कैसा खाना आप बताएंगे कमेंट में, कैसा बना हुआ है ये रेसिपी ट्राई लाजमी करना। तमीन ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, बहुत अच्छा। पड़ोसियों का शोर आप सुन रहे हैं, कान में दर्द हो गया, आँखों में दर्द, वैसे भी ये कान में दर्द कर चुका है ना, बहुत सूज गई यार, बहुत दर्द हो रहा है। ऊपर से इसके दिल में भी दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों इसके दिल में। गैस से हो रहा था, लस्सी ज़्यादा पी रही थी। अभी मैंने इसको बोला कि नीचे ना वो रेजिक मिलता है, वो लेके खाओ, शायद तबियत भी रहो। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सबसे ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है हमें, आपको पता भी है। बहुत ज़्यादा दुआ आज करें। जो तमीना ने कहा है उस पर अमल करें, प्लीज़ उस पर अमल करें यार, प्लीज़ अमल करें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमें देखने का और हमें सपोर्ट करने का। अल्लाह हाफिज़, सुबह मिलेंगे हम लोग।